हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे भरवां शिमला मिर्च की सब्जी। तो चलिए जानते हैं क्या रेसिपी है। तो सबसे पहले हमें 2 या 3 आलू ऐसे कट करके उबाल लेने हैं। ये हमारी 5 to 6 शिमला मिर्ची हैं, थोड़े मीडियम साइज़ की हैं, 1-2 छोटे साइज़ की हैं, और इनको हमें ऊपर से कट कर लेना है ऐसे, और ताकि इसके अंदर अच्छे से हम मसाला भर सकें, और अंदर से तो ये एम्प्टी होती हैं। और इस प्रकार से हम सभी शिमला मिर्च का ये जो नाकू है निकाल लेंगे और इनके अंदर मसाला भरेंगे फिर बाद में। चलें, इतने हम ओनियन और हरी मिर्च का तड़का लगा लेते हैं, इनको पका लेते हैं, क्योंकि ये भी हमें शिमला मिर्ची के अंदर भरना है। और इतने हमारे इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्राई कर लेंगे इनको। हाफ फ्राइड रखना है, कम्प्लीटली नहीं पकाना है अपने को। और हमारे जो आलू थे जो हमने बॉईल किए हुए थे उनको भी हम अब डाल देंगे इसके अंदर। पहले मसाला डाल देते हैं, मैंने कोरिएंडर पाउडर और ये सारी चीज़ें डाल दी, नमक और रेड चिली मीडियम रखा है मैंने मसाला। ये आप देख सकते हैं आपको कितना तीखा खाना है तो तीखा डाल सकते हैं। और ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया, और अब ये मैं बॉइल्ड पोटैटो डाल दूँगी, और इनको हम प्रेस करके और बिल्कुल मैश कर देंगे अच्छे प्रकार से, और मिक्स कर लेंगे इसको। और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। और चलिए अब हम इसको भरते हैं शिमला मिर्च के अंदर। चम्मच से भर सकते हैं आप, छोटी चम्मच से, और बिल्कुल अंदर तक भरना है आपको। बीच में से ये मतलब खाली नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भर देना है इसके अंदर। और सच बताऊं तो दोस्तों, आज इस सब्जी को खाने के लिए लड़ाई हो गई थी घर पर, और बिकॉज़ इट वॉज वेरी टेस्टी। और आप भी ज़रूर ट्राई करें, तो ये कमाल की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे, और इजी भी है काफ़ी। और नाइफ़ की मदद से हम अच्छे प्रकार से अंदर तक भर देंगे इसको। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हम मैंने सारी ऑलमोस्ट भर दी हैं। ये सबसे छोटी वाली रह गई हैं, ये भी भर दी मैंने। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मेरे हाथों में तो जादू है, क्योंकि कुछ भी बनाओ टेस्टी बनता है, कभी भी बनाओ टेस्टी बनता है। तो ये दोस्तों मैंने रेडी हो गए हैं मेरी भर के, और अब चलो इनको हम पकाते हैं। इनको इस प्रकार से पैन में रख देना है, ये ऑयल बिल्कुल थोड़ा ही लेना है अपने को, और इन सभी को रख देंगे हम, थोड़ा ध्यान से रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा ऑयल के छींटे लग सकते हैं। और अब इनको हर तरफ से पका लेंगे हम, बार बार इनको थोड़ा 4 to 5 मिनट बाद चेंज करेंगे इनकी पोजीशन, और मीडियम रखेंगे गैस को, सिम पर बनाएंगे हम। और इनको अब हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। और अब देखिए दोस्तों, ये ऑलमोस्ट पक गई हैं, 50 to 60% पक गई हैं, और थोड़ा और पकाएंगे इनको, 5 to 10 मिनट और लगेंगे, और ये हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी बिल्कुल। और ये देखिए, इनको बदलते रहेंगे, कोई भी हर तरफ से पकनी चाहिए, अंदर का मसाला भी अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल पक चुकी है ये। और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।